अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप ठीक हैं, खुश हो? माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आपको ज़्यादा सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। देखिए, आप जो मौजू है ना, ये भी एक बहुत आम मौजू है कि कब्ज़ होना। अक्सर आपको शिकायत की जाती है कब्ज़ है, लेकिन कब्ज़ को भी समझ लिया जाए ना, तो फिर इसका इलाज बहुत ही आसान इलाज है। तो ये एक सवाल ना मुझे, मेरे भाई है ना भावनगर में, तो वहाँ ये सवाल उठा, उनके साथ ये मामला पेश आया कि एक नौजवान को उनके पास लाए कि मैंने दवाई ली है हकीम से, कब्ज़ की दवाई ली है, तो मेरे पाँव में ना जी पेट में बहुत ज़्यादा एक यानी हो गया, जलन हो गई है, जिस तरह ज़ख्म हो जाते हैं और जलन हो गई है, बहुत ज़्यादा पेट में दर्द है और बड़ी परेशानी हो गई। तो भाई कहते हैं हमने देखा तो तकरीबन उसके गुर्दे फेर हो गए थे। हमने बोला भी देखो हमारे ज़ुम्मे ना लगाओ ये बात, फ़ौरन आप बड़े हॉस्पिटल में चले जाएँ। तो वो बड़े वहाँ भावनगर हेडक्वार्टर में उनको ले गए, तो वहाँ उन्होंने डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की, लेकिन 2-2.5 घंटे में बंदा वो फौत हो गया, जवान बिल्कुल बंदा था। क्या वाक़ पेश आया कि उस जवान ने बताया कि मैं हकीम के पास गया कि मुझे कब्ज़ है, मेरे घरवाली को भी कब्ज़ है, यानी बीवी को, उसने 5-6 गोलियाँ उसको दे दी, ये खुद भी खाओ और घरवाली को भी खिलाओ। वो कहता है मैंने खुद भी खाई गोली, घरवाली को भी कही, लेकिन उसने कहा मैं रात को खाऊंगी, मैं नहीं खाने अभी आप खुद खा लो। तो कहता है खाते ही उसके पेट में इस तरह जैसे ना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ शुरू हो गई। तो करीब उसी हमारे महल्ले में था वो, जिस जगह भाई रहते हैं, उसके पास आया, उन्होंने उधर रेफ़र कर दिया बड़े हॉस्पिटल में कि उधर जा के भी डॉक्टर संभालें इसको, बड़े डॉक्टर संभालें। तो वो मेरे भाई ने सवाल किया कि ये हुआ क्यों उसके साथ, क्या कब्ज़ की दवाई उसने दे दी? मैंने कहा उसने जमाल गोटा दिया उसको। अब वो बंदा था पहले गर्मी का मरीज़, बहुत ज़्यादा गर्मी सोजिश थी, तो जमाल गोटा इंतहाई गर्म खुश्क, जैसे ही उसने उसको वो जमाल गोटा दिया, उसका जो मैदा था फट गया, वो ज़ख्म हो गया, वहाँ से खून जारी हो गया, तो शदीद दर्द हो गई, वो बंदा बर्दाश्त नहीं उससे हो सका, तो बंदा मर गया। अब देखें कब्ज़ कितना मसला है, क्या अक्सर हमारे पास लोग कब्ज़ की दवाई दे दो तो कब्ज़ बहुत ज़्यादा, अभी देखें कब्ज़ किस तरह है, तो ये मैं आज आपको समझाऊंगा कि कब्ज़ की पहचान किस तरह है। तहरीक के मुताबिक देखें, एक कब्ज़ होती है असाबी कब्ज़, जिसमें ना जिस तरह हैज़ा नहीं बंदे को होता कि बहुत ज़्यादा उल्टी वाली कैफियत हो जाती है, भूख बेहद कम हो जाती है और कुव्वत हज़म कमज़ोर हो जाती है, हाजमा नहीं उसको होता, बुरा हाजमा उसका ख़राब ही हो जाता है, बहुत ज़्यादा गंदे डकार आते हैं, हाजमा कमज़ोर हो जाता है, कब्ज़ उसको होती है और गहरी नब्ज़ होती है, नब्ज़ बहुत ज़्यादा डूबी हुई होती है और ब्लड प्रेशर उसका लो होता है, जिस्म नरम होता है, चर्बीला होता है, ग़िज़ा पेट में रुकती है, मुतफ़न हो जाती है, उजलाती दुआ से इलाज करें। अब इस जगह खुश्क चीज़ों से इलाज करें, खुश्क चीज़ें क्या हैं? काला दाना, जिसको इश्क पेचा कहते हैं, अक्सर काला दाना करवंजी को कहते हैं जी, इससे मराद, हमारे काला दाना से मराद इश्क पेचा के बीज हैं, ये भी काले होते हैं, और काली हरड़, ये उजाती चीज़ें हैं, दोनों को बारीक पीस लें, तो 3 ग्राम यानी एक छोटा चम्मच आप सुबह दोपहर शाम दें, तो इंशाल्लाह ये कब्ज़ दूर हो जाएगी। और तुरस चीज़ें इसकी खुराकें बढ़ा दें, अचार, दही, खट्टी लस्सी, इस तरह की चीज़ें बढ़ाएँ ताकि मैदे के अंदर कुव्वत पैदा हो जाए, जान पैदा हो जाए, तो ये अपना इसका इलाज हो जाएगा। तो दूसरी कब्ज़ है उजलाती कब्ज़, इसमें पेट जो है ना जी बड़ा निकला हुआ और कसा हुआ होता है, इस तरह ना जी यानी दबाने से नहीं दबता, तो ये दरअसल उजलाती होती है, तुरश इसमें डकार आते हैं, डकार जो होते हैं ना तुरशी उसमें शामिल होती है, खट्टे डकार, और नींद बहुत कम होती है, रंग जो उसका है ना काला हो जाता है रंग, चेहरे पर स्याहियाँ होती हैं, सर जो है ना अक्सर सर गर्म रहता है, तुरश डकार, ये तो पहले बताया। इलाज जो है ना 4 मलैन 1 तोला ले लें, 4 मलैन, पहले भी मलैन का 4 का नुस्खा आपको बताया कि राई, सुरख राई, अजवैन, देसी, तेज़पात 10-10 ग्राम, गंधक आमला सार 30 ग्राम, ये बारीक करके रख लें, ये 4 मलैन है, इस 4 मलैन से आपने लेनी है 10 ग्राम
ठीक है। चार मुसल क्या है, चार मलैन में 10 ग्राम, 10 ग्राम जमाल गोटे के मगज़ मिला के बरी करके रख लें, ये मुसल है। इस मुसल से आपने लेना है 2 तोले, यानी 2 चम्मच, 1 चम्मच 4 मलैन का मिला लें, 2 मलैन 4 मुसल के मिला लें। और फिर तीसरी चीज़ लेनी है सना मक्की तेज़ पात हम वज़न, ये भी आपके पास होना चाहिए। इसमें से लेने हैं आपने 3 3 चम्मच। ये आप सारी चीज़ें मिला लें तो 3 3 ग्राम, 3 3 ग्राम आप या जितना बर्दाश्त कर सके, तो ये उजलाती कब्ज़ का बेहतरीन हल है। ये सुबह दोपहर शाम उसको 3 3 ग्राम आप देते रहें, अगर ज़्यादा महसूस हो थोड़ा कम कर दें, तो ये उजलाती कब्ज़ का आला दर्जे पर इलाज है। कसा हुआ पेट बिल्कुल अपनी जगह पर जाएगा, पट्ठों का खचोव भी इससे ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। सारे मसले जो उजलाती मसले हैं ना, ये उजलाती कब्ज़ जो है ये भी इंशाल्लाह इससे बेहतरीन हल है। अब गुदी कब्ज़ यानी गर्मी वाली कब्ज़, वो क्या है, उसमें बार बार कई बार पखाना आता है। बंदे कहते हैं कब्ज़ है, लेकिन वो पखाना होता नरम है, लेकिन आता कटमा है, कई बार आता है, तो जलन भी होती है, पखाने में थोड़ा जलन भी होती है, कदरे पतला होता है, ठीक है, पेशाब थोड़ा होता है। तो ये बेहद आसान नुस्खा है। इसमें आप सुहागा ले लें, बिरियाँ सुहागा ना, खिल किया हुआ सुहागा 20 ग्राम, मलट्ठी इसमें 30 ग्राम डालें, गुल बनफशा इसमें 30 ग्राम डालें, बस ये नुस्खा बन गया। तो 3 3 ग्राम यानी 1 1 चम्मच आप दरमियाना चम्मच सुबह दोपहर शाम ठंडे दूध से लें, इंशाल्लाह ये गर्मी वाली कब्ज़ बेहतरीन इसका आपको रिज़ल्ट आएगा, जलन भी ख़त्म हो जाएगी, बेहतरीन पखाना हो आ जाएगा, अंदर आप अंदरूनी उसकी सारी आंतें जो हैं वो सही हो जाएंगी, टाइफाइड होने के ख़तरे से भी ये बंदा बच जाएगा, क्योंकि टाइफाइड भी पहले गर्मी होती है आंतों में, फिर एक बुखार हद होती है तो बुखार भी उसको हो जाता है। तो इंशाल्लाह इस तरह ये कब्ज़ का आप इलाज देख कर करें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आसानी करेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।